हेलो दोस्तों, वेलकम इन कॉमर्स नेशन, लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ रघुनर पटेल, बी कॉम एम कॉम पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, यह टॉपिक BHU बी कॉम एंट्रेंस, BHU एम कॉम एंट्रेंस और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है। तो दोस्तों, बोर्ड बहुत ही नज़दीक है और आपका NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो बोर्ड में तो एंट्रेंस के लिए भी काम आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं NPO। NPO बता देखने से पहले हम लोग कुछ उसके बारे में जान लें। NPO का पूरा नाम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के पर्पज से काम नहीं करती है, जिसका पर्पज होता है पैसा कितना आया और कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब देना। जैसे क्लब और लाइब्रेरी, स्कूल, कोचिंग संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिनका पर्पज़ होता है, और जितने सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भंडारा में पूड़ी मिल रहा है, तो वो सब जो क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उनका इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं वो एंट्री फीस देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं, और लोग जो उसको डोनेट करते हैं, चंदा जो उतारते हैं सब्सक्रिप्शन, वो इनकम के सोर्स होते हैं। खर्चे क्या होते हैं, उस संस्था को चलाने के लिए जो बिल्डिंग बनवाएंगे उसमें जितने एम्प्लॉय होंगे उसको जो पैसा पेड करेंगे वो खर्चे होते हैं इनके। तो NPO का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पैसा कितना आया कितना गया उसका हिसाब देना होता है। तो आइए एक तरफ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे NPO मीन्स those entities whose objective is not to earn profit। ऐसे एंटिटी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना, बट अटेंड देयर डिफाइन गोल्स। सच ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव टू सर्व सोसाइटी एट लार्ज लेवल। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस देना, जैसे ICI, क्लब, लाइब्रेरी एटसेट्रा। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, इसमें दो अकाउंट बनेंगे और एक स्टेटमेंट बनेगा। दो अकाउंट का नाम होगा, पहले अकाउंट का नाम होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड का नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड एक स्टेटमेंट बनेगा जिसका नाम होगा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट लाइक कैश अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट लाइक कैश अकाउंट की तरह होता है। कैश अकाउंट का मतलब पैसा आया लेफ्ट साइड में, पैसा गया राइट साइड में। उसी तरह रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में जो पैसा आएगा लेफ्ट में, जो पैसा जाएगा राइट में। तो जो पैसा आएगा रिसीप्ट, जो पैसा पेड करेंगे वो पेमेंट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज नॉट रिकॉर्डेड। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होंगे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इट इज़ अ रियल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एंट्रेंस के हिसाब से होंगे कि यह कौन सा अकाउंट होता है। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एक वास्तविक खाता होता है, एक रियल अकाउंट होता है। ऑल कैश रिसीप्ट रेवेन्यू और कैपिटल, चाहे वह रेवेन्यू नेचर के आइटम हो चाहे वह कैपिटल नेचर के आइटम हो, दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में। ऑल कैश पेमेंट रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, मतलब जितने भी कैश आपको मिलेगा रिसीप्ट साइड में, जितने भी कैश पेमेंट करोगे वह पेमेंट साइड में, मीन्स राइट पेमेंट और लेफ्ट रिसीप्ट। अब लेफ्ट को डेबिट भी बोल सकते हो, राइट को क्रेडिट भी बोल सकते हो। नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो नॉन कैश आइटम है इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, जैसे डिप्रिसिएशन, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा है, रिसिप्ट लेफ्ट में होगा पेमेंट राइट में होगा। जैसे मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका प्रीवियस ईयर का कैश होगा इस साल आएगा, सब्सक्रिप्शन होगा फिर एंट्री फीस होगा, ऐसे जो होगा फिर जो डोनेशन होगा ये सारे लेफ्ट साइड में होंगे। एंट्री फीस, डोनेशन, ये लेफ्ट होंगे। अब जो खर्चा होगा जैसे सैलरी देंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, वेजेस, फिर जो उसका बैलेंसिंग होगा वह कैरी डाउन। तो ये जो ओपनिंग यहाँ पर होगा बैलेंसिंग या क्या होगा कैश होगा, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, और यहाँ पे जो कैरी डाउन होगा यह भी कैश होगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा।
इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर जो अब कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है. प्रॉफिट में जो इनकम होगा राइट और जो एक्सपेंसेज होगा लेफ्ट. तो इसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर है तो इनकम लेफ्ट होगा और एक्सपेंडिचर राइट. गलती ऐसा मत करना, इनकम राइट होगा और एक्सपेंडिचर लेफ्ट. लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट. अब एक हमेशा चीज ध्यान रखना, जिस किसी भी अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस का पता चले वह अकाउंट इनकम सॉरी वह अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, अगर एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है इनकम से तो क्या आएगा? डिफिसिट. आपके पास इनकम है 10 लाख और एक्सपेंडिचर हो गए 12 लाख, तो 2 लाख क्या होगा? डिफिसिट, मतलब कमी. इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर आपका इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा. आपके पास है 12 लाख रुपए, आपने खर्चा किया 8 लाख रुपए, 4 लाख क्या होगा? सरप्लस होगा. और ओनली रेवेन्यू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो देखो जब मैं मोस्ट बोलूंगा तो ध्यान रखना एंट्रेंस वाले बच्चे, वो आपके लिए एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वह इंपॉर्टेंट. अब ध्यान रखना बोर्ड वाले बच्चे, आपको भी वन लीनियर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वन लीनियर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए भी यह इंपॉर्टेंस इसको ध्यान रखना. जैसे रिसीव पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है. इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस एंड डेफिसिट पता चलता है. अब इसका प्रोफार्मा है एक्सपेंडिचर. अब देखो बहुत सारे आइटम आते हैं, मैं आपको जानने के लिए 2-4 आइटम रिसिप्ट में, 2-4 आइटम पेमेंट में, उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर में 2-4 आइटम इनकम में और 2-4 एक्सपेंडिचर में लिखा. आपको पूरा डिटेल देखना है कौन से किस में, बहुत सारे डिटेल जाएंगे, डेबिट में कितना जाएगा, क्रेडिट में, अब बुक्स में से देखो सारा मिल जाएगा आपको. तो एक्सपेंडिचर में आपका सैलरी, न्यूज़पेपर, अदर एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद इनकम में सब्सक्रिप्शन जो चंदा मिलेगा, एंट्री फीस एंड अदर इनकम जो होगा. इस इन केस अगर आपका इनकम साइड अधिक होगा और एक्सपेंडिचर कम तो आपका आएगा सरप्लस. क्या आएगा? सरप्लस. इन केस एक्सपेंडिचर अधिक होगा इनकम कम होगा तो क्या आएगा? डेफिसिट. ठीक है, कुछ चीजें मैं जानबूझकर गलती करता हूं क्योंकि बच्चे देख के बोलेंगे तो लिखा है, लेकिन गलती जब पढ़ते समय कर दोगे तो फिर बाद में गलती नहीं होगा. हमेशा सही करोगे, बाद में कोई घुमा के क्वेश्चन देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए यहाँ पर मैं जानबूझकर डेफिसिट लिखा तो यहाँ पे सरप्लस. क्यों? क्योंकि आप ऐसे पढ़ लोगे, मैं सिंपल से लिख दिया होता सरप्लस और डेफिसिट तो आपको माइंड में कैच नहीं करता. तो ये आपका प्रोफार्मा है. नेक्स्ट और कुछ एनपीओ के बारे में बताया गया और रिसीव पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया गया. नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का प्रोफार्मा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डेबिट क्रेडिट में सब्सक्रिप्शन की एंट्री कैसे करेंगे और सारा कहने मतलब कि फुल एनपीओ का डिटेलिंग वीडियो मैं बनाऊंगा. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट के होंगे, जिससे आप आसानी से टॉपिक वाइज होंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम होगा तो 1-5 मिनट का वीडियो देख लें, आपको बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम होगा 1-5 मिनट का वीडियो देख लें. तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा क्योंकि सभी बच्चों को सारा प्रॉब्लम नहीं होगा. एनपीओ के चैप्टर में अगर 10 प्रॉब्लम है तो 7 प्रॉब्लम तो अपने आप कर लोगे, 3 ही प्रॉब्लम करने, मतलब एक क्वेश्चन में करके 10 आइटम आएंगे तो 6-7 आइटम तो आपको पता होगा एक ही 2 आइटम में प्रॉब्लम होता है कि जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस का दिया होगा, करंट का दिया होगा, प्रीपेड करंट का प्रीवियस का दिया होगा, एडवांस दिया होगा, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे आगे आने वाले वीडियो के सीरीज में आपको सारा कुछ बताएगा. दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें. और हाँ, आप भूलना मत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे हमारे दिग्गज अमन सर, जय सर और ऐसे बहुत सारे सर मिलेंगे, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, सारे प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आपका, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम हो, BSU, BCOM. और हम लोग का एक और चैनल है साइंस का, साइंस नेशन, एक और चैनल है आर्ट नेशन, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने गांव में फैला दीजिए, अपने पूरे इंडिया में फैला दीजिए दोस्तों, जहां से कि हम लोग मोटिवेट होकर आप लोग के लिए काम करें. जय हिंद, जय भारत.